नमस्कार दोस्तों, वी टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ये जेपीएससी से के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगामी जेपीएससी एग्जाम जो कि आपका 19 सितंबर को होने वाला है, उन सारे विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आपके पहले थ्योरी पार्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसके रिलेटेड एमसीक्यू के पार्ट कराऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। यहाँ पे देखिए, पढ़ा पंचायत जो शासन व्यवस्था है, ये उराव जनजाति की शासन व्यवस्था है और ये व्यवस्था उराव शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। तो क्या बोला जाता है, पढ़ा पंचायत किसका है? उराव जनजाति का है और इन्हें उराव जन शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। यह व्यवस्थाओं मुंडाओं की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। तो मुंडा की जैसे शासन व्यवस्था थी, उसी प्रकार से कुछ कुछ ना कुछ इसे मिलती जुलती है। छोटा नागपुर क्षेत्र में उरांव जनजाति का आगमन मुंडाओं के आगमन के कई सौ वर्षों के बाद हुआ था। ऐसा माना जाता है कि छोटा नागपुर में बसने से पहले इनका निवास स्थल रोहतासगढ़ हुआ करता था। जब वे यहाँ बसने लगे तो यहाँ के जंगल को साफ करके खेत बनाए और गांव बसाए। खेत बनाने और गांव बसाने वालों को भूमिहार बोला जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले, मैं आपको नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़ाया था, तो उसमें भी क्या बोला जाता था, भूमिहार बोला जाता था। तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, हर शासन व्यवस्था में अलग अलग समझेंगे। गांव जब बने तो उसे संचालन की आवश्यकता महसूस हुई। गांव के प्रशासनिक और धार्मिक संचालन की जिम्मेदारी आन को दी गई। वह गांव का पुरोहित होता है। उसकी सहायता के लिए बैगा को रखा गया। तो पहले मैं आपको बता दूं, पाहन सबसे फर्स्ट में होगा, उसके बाद उनकी सहायता के लिए क्या होगा, उनका असिस्टेंट जो बोल सकते हैं, उनका नाम होगा बैगा। समय के साथ भी यह व्यवस्था बदलती और पाहन की सहायता के लिए महतो का पद सृजित किया गया। तो सबसे पहला पद क्या होगा, पाहन, उसके बाद होगा बैगा, उसके बाद होगा महतो। आगे चल के प्रशासनिक और धार्मिक संचालन की जिम्मेदारी को दो भागों में बांटा गया। महतो को प्रशासनिक संचालन की जिम्मेदारी दी गई और पाहन को धार्मिक संचालन की जिम्मेदारी दी गई। ग्राम स्तर पर पंचायत का निर्माण हुआ और इससे सदस्य गांव के सभी खूट के बुजुर्ग व्यक्ति होते थे। यह पंचायत गांव में किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम होते थे। उरांव जनजाति में यह माना जाता है कि धर्मेश उरांव के इष्ट देव के बाद पृथ्वी पर पंचायत में सर्वोच्च शक्ति है। समय के साथ यह व्यवस्था बहुत ही समृद्ध होती गई और व्यवस्था तीन स्तरों पर कार्य करने लगी। तो मैं आपको बता दूं, तीन स्तर कौन से हैं, ग्राम पंचायत, पढ़ा पंचायत और अंत पढ़ा पंचायत। तो ग्राम पंचायत में क्या क्या होता है, तो ग्राम स्तर में पंचायत व्यवस्था निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। महत्व, गांव की पंचायत व्यवस्था का प्रमुख होता है और प्रशासनिक संचालन की जिम्मेदारी होती है। यह पंच वंशानुगत होते हैं और सबसे बड़े व्यक्ति को ही मिलता है। वारिस नहीं होने की स्थिति में उस वंश का कोई अन्य पुरुष को यह पद दिया जाता है। उसके बाद पाहन, गांव का पुरोहित होता है और धार्मिक संचालन की जिम्मेदारी होती है। यह पंत वंशानुगत नहीं होता है। हर 3 वर्ष की समाप्ति के बाद सरहुल के दिन नए पाहन का चयन किया जाता है। उसके बाद होता है भंडारी, संदेश वाहक होता है। ये संदेश को आदान प्रदान करता है और राजा गांव में पढ़ा राजा के भंडार का प्रभारी होता है। पढ़ा राजा के भंडार का प्रभारी होता है। यह सारे पदों के लिए एक वित्तीय प्रधान नहीं था, परंतु भरण पोषण के लिए भूमि आवंटित की जाती थी और उन भूमि के अलग अलग नाम थे जो निम्नलिखित हैं। महतोई भूमि, महतो को दी जाने वाली भूमि। इस प्रकार महतो को पहनाई भूमि, पाहन को दी जाने वाली भूमि और भंडारी, भंडारी को दी जाने भूमि को भंडारगृह भूमि कहा जाता था।
महतो और पाहन दोनों ही पंचायत व्यवस्था के केंद्र बिंदु है। अपने आप में दोनों ही अकेले कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी सारी संस्कृति पंचायत में निहित होती है। मीन्स दोनों अकेले कोई व्यक्ति नहीं है और दोनों मिलकर ही काम करते हैं। उरांव जनजाति की एक प्रसिद्ध कहावत है, पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। बहुत अच्छी कही गई है, पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। महतो गांव की पंचायत व्यवस्था का प्रमुख होता है। इसके बाद दूसरे में आ जाते हैं हम लोग, पढ़ा पंचायत में आ जाते हैं। पढ़ा पंचायत, गांव की पढ़ा पंचायत के ऊपर भी एक व्यवस्था थी जिसे पढ़ा पंचायत कहा जाता था। यह 7, 12, 21 और 22 गांवों को मिलकर बनती थी। पढ़ा राजा इस पंचायत के प्रमुख होते थे। पढ़ा राजा इस गांव के प्रमुख होते थे। उनकी सहायता के लिए पंचायत में निम्नलिखित अधिकारी होते थे, जैसे जैसे आपको बता दो, दीवान, मंत्री, पनघरा, कोटवार। तो पढ़ा राजा के सहायक के रूप में कार्य करते थे मंत्री। यह पढ़ा राजा के परामर्श देते थे, मतलब पढ़ा राजा को क्या देते थे, एडवाइस करते थे। इस तरीके से काम होने लगा। और फिर पनभरा, यह बैठक का संचालन करते थे और खाने पीने की व्यवस्था करते थे। यानी कि जान रहे होंगे, पनभरा मतलब पानी से भरा। इस तरीके से आप याद रख रहे थे, खाने पीने की व्यवस्था करते थे। इसके बाद कोटवार, यह दूध के रूप में कार्य करते थे और पढ़ा राजा के निर्देश को पूरे गांव और बाहर में सूचना वो उन तक पहुंचाते थे। दंड का अमल भी इसे उनसे ही करवाया जाता था। मतलब दंड कोई भी मल होता था, जैसे दंड को अपनाना है तो इन्हें ही करते थे कोटवार। इसके बाद पढ़ा राजा और उनकी अधिकारी गांव में उनका गांव का नामकरण लिखित है, जैसे राजा गांव। जिस गांव में पढ़ा राजा निवास करते थे उन्हें राजा गांव कहा जाता था। जिस गांव में दीवान निवास करते थे उन्हें दीवान गांव, और जिस गांव में पनभरा का निवास कहा जाता था उन्हें पनीर गांव कहा जाता था। जिस गांव में कोटवर का निवास स्थल होता था उसे कोटवर गांव कहा जाता था, और जिस गांव में कोई भी अधिकारी का निवास स्थल नहीं होता था उसे प्रजा गांव कहा जाता था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इसके बाद अंतिम जो पंचायत होता है उसे अंतः पढ़ा पंचायत कहा जाता है। तो पढ़ा पंचायत के ऊपर अंतः पढ़ा पंचायत की व्यवस्था होती है। ये पंचायतें कई पढ़ा गांव को मिलकर बनाई जाती है और इससे प्रमुख को पढ़ा दीवान कहा जाता है। समस्याओं और विवादों का निपटारा, समस्याओं और विवादों का निपटारा पहले गांव की पंचायत स्तर में जो निम्नलिखित है, छोटे मोटे किसी भी प्रकार का विवादों का निपटारा ये करते थे। हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर अन्य मामले गांव में ही सुलझाने का प्रयास होता है। विकास कार्य, गांव में समस्याओं का निवारण, यौन अत्याचार के मामले, पारिवारिक झगड़े, जमीन जायदाद संबंधी मामले, धार्मिक एवं परिवार त्योहार संबंधी फैसले। महतो की अध्यक्षता में पाहन द्वारा पूर्व पर्व त्योहारों की तिथि निश्चित की जाती थी। पढ़ा पंचायत के निर्णय में अनुपालन करता है। विवाद नहीं सुलझने पर इसे पढ़ा पंचायत में ले जाया जाता है, और अगर विवाद का निपटारा पढ़ा पंचायत में नहीं हो सकता है तो अतः पढ़ा पंचायत में भेज दिया जाता है। मीन्स सबसे ऊपर जो होता है वो अतः पढ़ा पंचायत होता है। छोटे मोटे आपराधिक मामले जैसे आर्थिक दंड देने का प्रावधान होता है। हत्या जैसे गंभीर अपराध का निपटारा इस पंचायत में नहीं होता है। यौन अत्याचार, सामाजिक अपराध के लिए समाज से निष्कासित करने का दंड भी अभी प्रावधान है। तो सबसे पहला जो होता है, सबसे छोटा मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायत होता है, उसके ऊपर पढ़ा पंचायत होता है, और सबसे ऊपर जो होता है अंत पढ़ा पंचायत होता है। जो पढ़ा पंचायत है उसके जो हेड होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पाहन। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे गांव के प्रमुख को बोला जाता है महतो, फिर पाहन, भंडारा। इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग सारे। अब एमसीक्यू पार्ट में हम लोग आ जाते हैं। चलिए, पढ़ा पंचायत का तो एमसीक्यू हम लोग करते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो मैंने आपको बताया उरांव समुदाय से है। इसके बाद
उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो उरांव जनजाति में देखिए सबसे छोटा जो प्रधान होता है, जैसे क्या बताए थे हम आपको ग्राम प्रधान जो बताए थे, जैसे कि आप लोग देख सकते तीन में विभाजित होता है आपका, ग्राम पंचायत, पढ़ा पंचायत, अंतः पढ़ा पंचायत। यहाँ पे देख सकते हैं गांव का जो प्रधान होता है उरांव जनजाति में उसे महतो बोला जाता है। के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महत्व का संबंध निम्न में से कौन से कथन असत्य है? तो आपको असत्य कथन बनाना है, तो इसमें आपको क्या है, पढ़ा पंचायत के बारे में बात किया जा रहा है। देख सकते हैं यह गांव का प्रधान होता है, सही है, ये गांव का स्तर के मामले का निपटारा करता है, ये भी सत्य है। महतो के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं, तो इस ये भी आपका सत्य है। तो उपरोक्त सभी कथन क्या है, सत्य। उरांव जनजाति में महतो का सहयोग क्या कहलाता है? तो महतो का सहयोग जो कहा जाता है उसे मांझी कहा जाता है। निम्न में से देख सकते हैं, निम्न में से कौन महतो के पंचायत आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसे मांझी बोलते हैं। पाहन जो कि आप जानते हैं हेड होता है, पन भरा जो कि आपका क्या होता है, खाने पानी का, पीने खाने पीने का व्यवस्था करता है, इसका करेक्ट आंसर होगा मांझी। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांव मिलकर बनी अंत ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? तो अंत ग्रामीण को पढ़ा कहा जाता है। इसके बाद में आगे का क्वेश्चन है आपके सामने, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की अंत ग्रामीण पंचायत पढ़ा कितने स्तरों में विभक्त होती है? तो कितने स्तरों में विभक्त होती है, तो ये तीन स्तरों में विभक्त होती है। पहले ग्राम पंचायत, फिर क्या होता है पढ़ा पंचायत, फिर अंतः पढ़ा पंचायत, और अंतः पढ़ा पंचायत ही प्रमुख होता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पंचायत की कार्यवाही जो होती है वो केवल पुरुष ही भागीदार होते हैं, तो ये सत्य है। इसके बाद पंचायत की कार्यवाही में महिलाओं का भागीदार होता है, तो ये सत्य है, महिलाओं से भागीदार ले सकती है। और पंचायत की कार्यवाही में केवल बुजुर्ग ही भागीदार होता है, तो ये भी सत्य है। पंचायत की कार्यवाही में पुरुष तथा महिला दोनों का भागीदारी होता है, दोनों भागीदारी नहीं होता, ये आपका असत्य है। इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में दो या अधिक गांवों के बीच में विवादों का समाधान कौन करता है? तो जो समाधान करता है उसका नाम क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है अखाड़ा, पहाड़ा, शेष मांझी या परंगेत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पहाड़ा, पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे पढ़ा राजा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में आप देख सकते हैं, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता है तो किसे हस्तांतरित किया जाता है? तो अगर वहां पे आपका निपटारा नहीं है तो पढ़ा राजा को ये स्थानांतरित किया जाता है। पढ़ा राजा इसके बाद आगे एक्शन लेते हैं। इसके बाद देखिए पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का नाम है पढ़ा दीवान, पढ़ा दीवान। यहाँ पे आपने पढ़ा पंचायत की बोल रहा, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में। इसके बाद अगला प्रश्न है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? तो गांव के संपादन जो धार्मिक कार्य है उसका जो संपादन होता है उसे पाहन करता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो पाहन को जो भूमि दी जाती है उसे पाहनाई भूमि दी जाती है। तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, जो भूमि दी जाती है उसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, महतोई भूमि, महतो को दी जाने वाली भूमि को बोला जाता है, पाहन को दी जाने वाली भूमि को पाहनाई भूमि,
और भंडारी को दी जाने वाली भूमि को भंडार गृह भूमि बोला जाता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में वाहन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको असत्य बताना है। ये भाव का धार्मिक प्रधान होता है, सत्य है। यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है, ठीक है? तो ये सच है यानी कि सत्य है। गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन वाहन द्वारा ही किया जाता है, ये भी सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त के सभी कथन सत्य है। ये था वीडियो, आपको मैंने सारे जितने भी थ्योरी पार्ट था सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। इसमें पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय।